हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टार मूवी। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फार्म चाउची के लिए फ्लावर्स लेकर आया हुआ होता है और यहीं से एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है। तभी फार्म चाउची को फ्लावर देते हुए ये पूछ रहा होता है, क्या तुम्हारे पास आज मेरे लिए टाइम है? तभी चाउची उसे झूठ कहती है कि मैं आज बहुत बिजी हूँ। तभी फार्म नाराज होते हुए बाहर जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और जैन से नेक्स्ट डे की सारी मीटिंग्स को कैंसिल करने के लिए कहता है और जैन हंसते हुए उसकी बात को मान जाता है। तभी हम जू को देखते जो फार्म से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आई होती है और वहाँ पे फार्म नहीं होता है। तभी वो फार्म के टेबल पर स्पेस म्यूजियम की दो टिकट्स को देख लेती है और उसी वक्त वहाँ पर फार्म आ जाता है और दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी जू फार्म से पूछ रही होती है, क्या कल तुम फ्री हो? तभी फार्म उसे कहता है, कल मुझे मीटिंग में जाना है। ये सुनते ही जू वहाँ से चली जाती है और फार्म टिकट्स को देख के मुस्कुरा रहा होता है। और वहीं रेस्टोरेंट में हम चौकी को देखते हैं जो कि कुछ सोच रही होती है और उसी वक्त वहाँ पर ली आ जाता है और उससे पूछ रहा होता है, क्या तुम्हें वो चीज मिल चुकी है जिसे हम ढूंढने के लिए गए थे? क्योंकि मैं उसकी पेंटिंग बनाकर में लगाना चाहता हूँ। तभी चाउची उसे अलाउंस मीटर के बारे में बताने लगती है कि अलाउंस मीटर कैसा दिखता था। तभी ली अलाउंस मीटर की पेंटिंग बनाने लगता है। तभी फार्म जैन से चाउची के रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। और उसने ऑर्डर करने के लिए इसलिए कहा होता है ताकि चाउची के रेस्टोरेंट की सेल्स बढ़ जाए और चाउची उससे इम्प्रेस हो जाए। और वहीं दूसरी ओर ली पेंटिंग कम्प्लीट कर देता है और वो पेंटिंग थोड़ी बहुत अलाउंस मीटर से मैच हो रही होती है। और तभी चाउची को 1000 कप कॉफी का ऑर्डर मिल गया होता है जो कि फार्म ने दिया होता है। और मिस जाओ की रेस्टोरेंट में ना होने की वजह से चाउची ली की हेल्प मांग रही होती है और ली मान जाता है और कॉफी बनाने में उसकी हेल्प कर रहा होता है। काफी समय बीत चुका था और उन्होंने आधा ही काम किया होता है और वहाँ पे पूरी कॉफी भी खत्म हो चुकी थी। तभी चाउची कस्टमर की डिटेल चेक कर रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि ये ऑर्डर तो फार्म ने किया है। फार्म का नाम सुनते ही ली वहाँ से भाग जाता है और चाउची जितने कप रेडी हुए होते हैं उन्हें लेके फार्म के ऑफिस पहुँच जाती है और सबको कॉफी देने के बाद वो फार्म के कैबिन में चली जाती है। तभी फार्म उसे बता देता है, ये सब मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए किया है। तभी चाउची उससे गुस्सा होते हुए उसके प्रपोजर के लिए उसे मना कर देती है और उसकी ये बात सुनकर फार्म बहुत उदास हो जाता है और उसे भेज देता है। चाउची जब बाहर आती है तो हमें पता चलता है कि चाउची उसे मना बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि फार्म अभी भी उसे प्लेबॉय लग रहा होता है। तभी हम फार्म को जिंग के पास देखते हैं और फार्म उसे मेडिकेशन चेंज करने के लिए कह रहा होता है। तभी जिंग उसे कहता है, इससे तुम्हें साइड इफेक्ट हो सकता है। और फार्म उसकी बात माने बिना मेडिसिन लेकर जिंग के साथ ही बाहर जा रहा होता है। तभी हम फार्म के अंकल को देखते हैं जिन्हें फार्म की फोटो साइकोलॉजी डॉक्टर के साथ में चाहिए होती है। तभी हम जैन को चाउची के साथ देखते हैं जो उसे म्यूजियम टिकट देते हुए कह रहा होता है कि फार्म मेंटली बीमार है और तुम ही उसकी हेल्प कर सकती हो। अगर तुम्हें उनकी हेल्प करनी है तो तुम्हें इस टिकट को लेना होगा और चाउची मान जाती है। और वहीं हम फार्म को उसके डैड के सामने देखते हैं और उसके डैड जिंग के साथ वाली तस्वीर देख के उसे पूछ रहे होते हैं। और वहीं हम चाउची को देखते हैं जो कि टिकट मिलने के बाद स्पेस म्यूजियम में जा चुकी होती है और वहां जाने के बाद उसे उसके और फार्म के बिताए हुए मोमेंट याद आने लगते हैं। तभी वो फार्म के पास चली जाती है और फार्म के पिता फार्म से जवाब ही मांग रहे होते हैं कि वो जिंग के साथ में क्या कर रहा था। और उसी वक्त चाउची वहाँ पे आकर कहने लगती है कि मैं फार्म की गर्लफ्रेंड हूँ और फार्म मेरी वजह से जिंग से मिला था। और फार्म के पिता को पता होता है कि फार्म प्लेबॉय है और वो उस पे गुस्सा करते हुए ये कहने लगता है, तुम ये सब बंद कर दो। और वो चाउची से भी गुस्से में ही बात कर रहे होते हैं और उसके डैड चाउची पे यकीन कर लेते हैं और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। और वहीं फार्म के अंकल और मदर भी बहुत गुस्से में होते हैं और ली उन्हें कांग्रेचुलेशन विश करके वहाँ से चला जाता है। और वहीं बाहर हम ली को बहुत उदास देखते हैं क्योंकि वो भी चाउची को मन ही मन बहुत पसंद करने लगा था। तभी फार्म चाउची से पूछता है, तुमने मेरी हेल्प क्यों की? तभी उसे चाउची कहती है, हम नकली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन सकते हैं ताकि तुम्हें जो बीमारी है वो ठीक हो सके। तभी फार्म सोचने लगते हैं, क्या जिंग ने उसकी एमेसिया की बीमारी के बारे में चाउची को बता तो नहीं दिया? और उसी वक्त चाउची उसका ये शक दूर कर देती है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन सी बीमारी है, आई होप कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। ये सुनने के बाद फार्म रिलैक्स हो जाता है। और तभी वो चाउची को शॉपिंग करवाने के लिए ले जाता है और उसे एक छोटा स्पेशल बैग भी गिफ्ट करता है। और उसका मेकअप करवाने के बाद फार्म जब उसे ले जा रहा होता है तभी उसे बताने लगता है कि मेरे पिता तुम्हें स्टेटस की वजह से पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसा बनाकर उनसे मिलवा रहा हूँ ताकि वो मान जाए। जिस पर चाउची मान जाती है और वो घर आकर सोचने लगती है, शायद उसे फार्म की गर्लफ्रेंड नहीं बनना था। तभी कुपरी उसे समझाते हुए ये कहता है, तुमने जो भी किया है ठीक ही किया है और तुम फार्म की ऑफिस में जॉब पाकर आराम से अलाउंस मीटर को ढूंढ सकती हो। और इस बात से चाउची बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे वो जब फार्म से मिलती है तभी फार्म उसे अपने फैमिली के बारे में सब कुछ बता रहा होता है, जैसे कि उसके पिता बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड वाले बिजनेसमैन है, वो उसे इतने आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसकी मदर उससे बहुत चिढ़ती है और ली को उसकी जगह पे देखना चाहती है, अगर वो तुमसे कुछ भी उगलवाने की कोशिश करे तो तुम्हें बस इतना ही कहना होगा कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। ली को वो पहले से जानती है इसलिए वो अंकल से भी बच के रहने के लिए कहता है और चाउची उसकी बात मान जाती है। तभी फार्म उसकी फैमिली के बारे में उसे पूछ रहा होता है, वो कहती है मैं अंडे से पैदा हुई थी। उसका ये जवाब सुन के फार्म शॉक हो जाता है। तभी वो बातों को बदलते हुए कहती है कि मैं अनाथ हूँ और इस दुनिया में मेरा
कोई भी नहीं है। उसकी ये बात सुन के फार्म को बहुत बुरा फील होता है। तभी चाउची उसके ऑफिस में उससे जॉब मांग रही होती है और फार्म उसकी बात मान जाता है। तभी हम चाउची को मिस जाओकी से कहते हुए सुनते हैं कि वो रेस्टोरेंट का काम छोड़ रही है और मिस जाओकी उसे कांग्रेचुलेशन विश करके बहुत खुश हो जाती है। तभी हम फार्म और चाउची को फार्म के घर पर देखते हैं और फार्म चाउची को अपने पिता से मिलवाने के लिए ले आया होता है ताकि वो उसका रिलेशनशिप बता सके कि वो कितना सीरियस है। और फार्म की मदर चाउची को बाहर ही रोक लेती है और फार्म सिर्फ अकेला ही अंदर जाता है। और फार्म के डैड फार्म पे बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अपने फैमिली की रेपुटेशन के बारे में सोचना जो होता है। यही कारण उन्होंने जू को फार्म के लिए पसंद किया होता है। और फार्म बहुत कॉन्फिडेंस होकर उन्हें बता रहा होता है कि वो चाउची से बहुत सच्चा प्यार करता है और उसके डैड उसे ये करने से रोक रहे होते हैं। तभी फार्म अपने डैड से कहता है, मॉम के मरने के बाद मैंने आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगा है, बस मैं चाउची के साथ में रहना चाहता हूँ, मुझे उसके साथ रहने दीजिए डैड। और उसकी ये बात सुनकर उसके डैड मान जाते हैं और कहते हैं, इस बात का किसी को पता तक नहीं चलना चाहिए और ना ही तुम उसके साथ खुलेआम कहीं पे घूम सकते हो। और फार्म उनकी सारी बात मान जाता है। और वहीं बाहर हम फार्म की मदर को देखते हैं तो चाउची का मन बदलने की कोशिश में होती है और चाउची उसे भी परेशान कर देती है। तभी वहाँ पे फार्म आ जाता है और जब वो फार्म के साथ में जा रही होती है तभी फार्म उसे बताने लगता है कि मेरे पिता तुम्हें बहू के रूप में कभी भी नहीं देख सकते, इसलिए हमें चुपके चुपके मिलना होगा। और चाउची उसकी ये बात मान जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसकी हाई हील्स की वजह से वो ठीक तरीके से चल नहीं पा रही होती है। तभी फार्म उसे गोद में उठाकर आगे बढ़ने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और इन दोनों का रिलेशन आगे कैसा जाएगा ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।